अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्प्लीट हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 18 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, दिस वीडियो इज बायलैंग्वल, इट मींस आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, द हिंदू न्यूज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द हिंदू न्यूज पेपर। ठीक है, हम लोग कुछ दिन के बाद इंडियन एक्सप्रेस के भी न्यूज पेपर हेडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, आप सबकी इंडियन एक्सप्रेस की भी बहुत सारी डिमांड्स आती है यूट्यूब्स में। ठीक है, तो उसकी भी मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। ओके, हम कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, लगभग 20 से 25 दिन लग जाएंगे मुझे स्टार्ट करने में। उसके बाद मैं आपको दोनों अल्टरनेट करके पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, हर दिन अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, दोनों। ओके, सो लेट्स डिस्कस द हिंदू, अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एमसीक्यूज आपके लिए जो लिए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लिए जो एमसीक्यूज लिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जेरूसलम डिक्लोरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़। जेरूसलम डिक्लोरेशन आप सबको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इज स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड विच कंट्री। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है किसका, इजराइल और किस कंट्री के बीच में। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएई। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। गाइस, वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा कि जेरूसलम डिक्लोरेशन किस किस कंट्रीज के बीच में साइन हुई है, इजराइल और किस कंट्री के बीच में। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट कल्चरल टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO फॉर द ईयर 2022-2023। कौन से इंडियन सिटी को सिलेक्ट किया गया है SCO के द्वारा कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल के, ठीक है, के तौर पर, ठीक है, फॉर द ईयर 2022-2023। ऑप्शन आर एज फॉलोज, ए जयपुर, बी कोची, सी वाराणसी एंड डी कोलकाता। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंक एंड फ्रेमवर्क 2022। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको पहली रैंकिंग दी गई है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2022 का। ऑप्शन आर एज फॉलोज, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। विच इंडियन स्टेट लॉन्च EFIR सर्विस ऑन अ पुलिस ऐप। ठीक है, सो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट ने रिसेंटली EFIR और अ पुलिस ऐप को लॉन्च किया है फॉर द सिटीजन ऑफ द स्टेट। ओके, दीज आर द ऑप्शन अगेन, ए गुजरात, बी सिक्किम एंड सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। ओके, नाउ लेट मी नो, मैं आपको सबको आंसर बता देता हूँ, प्लीज़ आप सब पॉज करके आंसर को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर को मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। जेरूसलम डिक्लेरेशन था, एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इजराइल एंड USA। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, USA और इसराइल के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का ये एग्रीमेंट साइन किया गया बाई प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर यायर लपिड। ठीक है, तो लिख लीजिए, या जो आप सबको पता है कि USA के प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन है, और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यायर लपिड। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की एग्रीमेंट साइन हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि किसको अभी रिसेंटली किस इंडियन सिटी को सिलेक्ट किया गया है पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO फॉर द ईयर 2022-2023। ओके, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी को सिलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 2022 बाय SCO। वाराणसी विल बिकम द कैपिटल ऑफ SCO फॉर द 2022-2023। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको रिसेंटली ही पढ़ाया था न्यूज़पेपर में ही, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ परसों का वीडियो देख लीजिए, परसों के वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसके आंसर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन से इंस्टीट्यूशन ने फर्स्ट रैंक किया है, टॉप किया है, तो आंसर हो जाएगा सी आपका, IIT मद्रास ने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टॉप किया इस फ्रेमवर्क को फॉर द ईयर 2022। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पर रहा ये, ओके, आपको पता है फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर ऑन ओवरऑल कैटेगरीज। ठीक है, सारी कैटेगरीज में पहली पोजीशन पर रहा। विच इंडियन स्टेट लॉन्च EFIR सर्विस एंड अ पुलिस ऐप। ठीक है, किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है EFIR सर्विस को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका, उत्तराखंड। ओके, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तराखंड
उत्तराखंड ने रिसेंटली लॉन्च किया है EFIR की फैसिलिटी, और पुलिस ऐप को भी लॉन्च किया, उत्तराखंड पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। एंड दिस विल हेल्प पीपल फाइल एन ऑनलाइन FIR, ठीक है, ऑनलाइन FIR के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी फॉर द पीपल ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी चीज़ें हो रही हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, ऑनलाइन डिजिटली करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑफकोर्स फिजिकली कहीं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि हम फिजिकली वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन हम FIR फाइल कर सकते हैं, उत्तराखंड के लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऑनलाइन FIR अब फाइल कर सकते हैं। ओके, नाउ आपके लिए मैंने कुछ न्यूज़ लिए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि वाराणसी सिटी को सिलेक्ट किया गया है और डिक्लेयर किया गया है पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO, ठीक है। SCO के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है, मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको नहीं पता है देन उसके बारे उसको मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ वाराणसी के बारे में, ठीक है, उसके बाद मैं आपको SCO के बारे में भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसको लिए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसको पता है वेल एंड गुड, प्लीज लेट मी नो आंसर। SCO के बारे में कुछ पॉइंट्स मुझे लिख के बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। वाराणसी हैज बीन शोकेसिंग द कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया फॉर एजेस, ठीक है। तो वाराणसी आप सबको पता है इट इज फॉर द कल्चरल एंड ट्रेडिशन, इट इज शोकेसिंग ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशन फॉर इंडिया, ओके। इट विल बिकम द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO फॉर द ईयर 2022-2023, ठीक है। तो ये कल्चरल का ये बन जाएगा, अभी कल्चरल और टूरिज्म का कैपिटल बन जाएगा SCO का, ओके। अंडर द इनिशिएटिव द सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम मेंबर स्टेट विल डेजिग्नेट एज कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO ईच ईयर। वाराणसी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू गेट द टाइटल, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वाराणसी को पहली बार पहला सिटी बना है जिसको अभी टाइटल दिया गया इसका, ठीक है। एंड सिटी विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है, जो सिटी को सिलेक्ट किया गया है मेंबर्स कंट्रीज के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, विच विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ SCO ऑन रोटेशनल बेसिस, ओके। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, ये एक यूरेशियन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है जिसका फॉर्मेशन, ये एक्चुअली जो शंघाई फाइव है ना उसके बाद ये फॉर्म हुआ था, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, ठीक है। और शंघाई फाइव का जो फॉर्मेशन हुआ था 1996 में हुआ था, और उसके बाद SCO बना, इसी के बाद SCO का फॉर्मेशन हुआ ऑन 15 जून 2001, ठीक है। तो 2001 में SCO का फॉर्मेशन हुआ और इट इज़ द सक्सेसर ऑफ शंघाई फाइव, सक्सेसर है किसका, शंघाई फाइव का सक्सेसर है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आप सबको पता है कि वी आर मार्किंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट टू लॉन्च किया है फॉर द नेशनल कैंपेन हर घर तिरंगा, ठीक है। हर घर तिरंगे को उन्होंने लॉन्च करने की बात की है टू मार्क द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके अंदर सिटीजन्स को एनकरेज किए जाएंगे टू रेज द नेशनल फ्लैग एट दियर रेसिडेंस, ठीक है। तो रेसिडेंस पे अपने नेशनल फ्लैग को रेज करने के लिए एनकरेज किए जाएंगे सिटीजन्स को, ओके। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है कि इस साल क्या किया गया है, GST से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। जो भी फ्लैग कर देंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा, तो 0% टैक्स का यहाँ पर चीज़ आपको ये भी याद रखने की, 0% टैक्स इस पर रखा गया है, ओके। सो ये सारे फैक्ट्स थे जो कि आपको बताने थे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है देन प्लीज़ आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें मुझे आप पूछते रहिएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज है और मुर्मू जी का पल रहा थोड़ा सा भारी एज कम्पेयर टू यशवंत सिन्हा। आप यहाँ पर देख सकते हैं MPs 545, MLAs कितने हैं 2154, ठीक है। और इधर देखेंगे यशवंत सिन्हा जी के तरफ तो आप देखिएगा कि MPs कितने हैं 223 और MLAs कितने हैं 1774, ठीक है। हालांकि जो पल रहा है वो बहुत ज़्यादा भारी है द्रौपदी मुर्मू जी का, ठीक है। ये रह चुकी हैं, झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये पहली ऐसे वुमेन जो बनेगी वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है, और ये पहली वुमेन बनेगी जो कि पहली वुमेन बनेगी संथाल ट्राइब से, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी से ये पहली वुमेन बनेगी, ठीक है। तो आपको ये सारी फैक्ट्स जो याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हु विल बी द विनर ऑफ दिस, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर द इंडिया, ठीक है, देखते कौन है बनता है नेक्स्ट प्रेसिडेंट। नाउ अपोजिशन ने पिक किया है मार्गरेट
एल्वा को, मार्गरेट एल्वा को फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मार्गरेट एल्वा जी को बताया गया है कि इनको पिक किया गया है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोल, और उन्होंने कहा है कि सी इज आर अनानिमस चॉइस। ठीक है, हमारे अनानिमस चॉइस है। ठीक है, अनानिमस का मतलब आप सबको पता है कि किसी के द्वारा रिजेक्शन नहीं, सबने पास कर दिया है बहुमत से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ये आपको याद रखना है अनानिमस का मतलब, अनानिमस आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज फोकस ऑन फूड एनर्जी क्राइसिस, विडोडो। ठीक है, विडोडो कौन है? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने ये कहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया एक बहुत ही सिमिलर कंसर्न शेयर करता है अबाउट फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया बहुत ही सिमिलर कंसर्न शेयर करता है रिगार्डिंग फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट वेस्टर्न सैंक्शन। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा आप सबको पता है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से, वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें एक साथ काम करने की ज़रूरत है एंड वी शुड फोकस ऑन क्या, फूड और एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। और इंडोनेशियन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है टू द ग्लोबल लीडर्स को कहा है कि टू सेट इगोइज्म को सेट कीजिए, जब जाके कुछ हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, COVID-19 वैक्सीन डोजेस टैली क्रॉसेस 200 करोड़ मार्क्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स, आप यहाँ पर देखिएगा कि बूस्टर कवरेज में हमें अभी थोड़ा सा लैकिंग देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड की एवरेज कितनी है? 27.5%, हमारी कितनी है? 3.8। बल्कि अगर आप देखेंगे पहले जो दो डोजेज लगे, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, उसमें आप देखेंगे तो वर्ल्ड की कितनी एवरेज है? 61.3, और इंडिया की एवरेज देख सकते हैं आप 65.7। ठीक है, तो एक में थोड़ा सा लैगिंग है इन द बूस्टर कवरेज, लैगिंग इन द बूस्टर कवरेज, बट द फर्स्ट टू डोजेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम वर्ल्ड की एवरेज से ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, और इट टुक लगभग 18 मंथ लग चुके हैं इस माइलस्टोन को अचीव करने में। 200 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको अचीव करने में हमें लगभग 18 मंथ लग चुके थे, और बहुत सारी कड़ी मशक्कतों के साथ हम ये इस दर्जे पे पहुँचे हैं। ठीक है, बहुत सारी मेहनत पूरी स्टाफ्स के साथ, और अभी भी जो बूस्टर डोज नहीं लगने का जो रीज़न है, हो सकता है कि लोगों के बीच में अभी कोरोना का डर थोड़ा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारी जो सरकार है बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है रिगार्डिंग कोविड। ठीक है, कोविड के वेरियंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। हालाँकि मैं यही अभी सबको एडवाइस दूंगा कि आप सबको सेफ रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप सबको सेफ रहने की ज़रूरत है, यू शुड टेक प्रिकॉशनल और प्रिवेंशनरी स्टेप्स। ठीक है, तो प्रिवेंशनरी स्टेप्स लेने की जरूरत है, कुछ ढिलाई इसमें मत दीजिएगा। ठीक है, कुछ ढिलाई मत दीजिएगा, अभी भी ये वार्निंग है सबके लिए। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा अभी भी लोगों से ज़्यादा घुल मिल के मत रहिए। ठीक है, हाँ, हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं जिसपे, लेकिन आज की डेट में वही है ना, किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर, होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, ट्रेन सर्विस टू रिज्यूम ऑन असम हिल सेक्शन ऑन जुलाई 2022 के बाद ट्रेन सर्विस को वापस से रिज्यूम किया जाएगा ऑन असम हिल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं, कुछ इस टाइप्स की यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं ड्यू टू फ्लड्स और हैवी रेन की वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक भी नहीं दिख रही है। ठीक है, ट्रैक भी नहीं दिख रही है तो कैसे ट्रेन चलेगी भाई। ठीक है, तो उसके बाद अभी ये डिसीजन लिया गया कि जो ट्रेन सर्विस है इसको रिज्यूम किया जाएगा ऑन असम हिल्स आफ्टर 22nd of July। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था मॉन्की पॉक्स के रिगार्डिंग, मैंने आपको सारी चीज़ें कल के दिन या फिर परसों के दिन, दोनों वीडियो मैंने आपको बताई है, कल के दिन भी बताया है, परसों के दिन भी बताया है। तो अगर नहीं देखा है मेरी वीडियो तो कल का वीडियो जाके देख सकते हैं, परसों का भी देख सकते हैं। मॉन्की पॉक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, कैसे ये स्प्रेड होता है ह्यूमन से, एनिमल से ह्यूमन में, और ह्यूमन टू ह्यूमन में कैसे फैलता है, ये मैंने आपको बताए थे, और क्या क्या कुछ वो स्टेप्स लिए गए हैं केरला गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिए थे। आज एडिटोरियल दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आज एडिटोरियल में आया नहीं है। ठीक है, तो एडिटोरियल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी क्रिटिक्स डिस्कस की गई, प्रेसिडेंशियल रेस, ओके, टू मैसेज ऑफ 3 फोटोग्राफर्स। ठीक है, तो ये सारे हम डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर एक डाटा पॉइंट पे ये आर्टिकल आया हुआ है, सुपर ग्रैंड मास्टर एट स्वीट 16। ठीक है, डी गुकेश जो कि एक सुपर ग्रैंड मास्टर का इनको दर्जा दिया गया है एट स्वीट 16, और ही इज अ 16 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं, और बिकेम ओनली 6th इंडियन टू रीच एंड क्रॉस
कोवेटेड 2700 ELO रेटिंग मार्क्स इन द चेस। ठीक है, तो ये बन गए हैं छठे इंडियन जो कि 2700 ELO रेटिंग की मार्क्स पे पहुंच चुके हैं इन चेस। याद रखना, ये बन गए हैं छठे इंडियन जो कि पहुंच गए हैं कितना, 2700 ELO की रेटिंग मार्क्स इन द चेस। ओके, आप याद रखिएगा ये सारे वो नेम्स है जो कि आपको याद रखने हैं। वी आनंद, पी हरिकृष्णा, ठीक है, विजित गुजराती, ओके, के शशि किरण, बी अभिधन, बी अधिबन, ठीक है, एंड डी गुकेश। ठीक है, तो ये आपको छह प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं जो कि 2700 का आंकड़ा टच कर चुके हैं। ठीक है, टच कर चुके हैं, आपको ये याद रखना है कि टच कर चुके हैं ये सारे प्लेयर्स। ओके, और इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये स्वीट 16 चेन्नई के बिलोंग करते हैं, जी गुकेश जी। ओके, और ये छठे इंडियन प्लेयर हैं, तो ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए कि वो छठे प्लेयर का नाम बताइए जो कि 2700 ELO रेटिंग के मार्क्स को क्रॉस कर गए इन चेस। ठीक है, तो वो ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे, कोई भरोसा नहीं है, UPSC का कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, बिल्कुल आपको ढिलाई नहीं देनी है कहीं भी। ठीक है, व्हाई इज केरला प्रोटेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ESG नोटिफिकेशन। ESG नोटिफिकेशन क्या है, आप सबको पता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बोला गया था कि जो भी नेशनल चीजें होंगी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बहुत सारी चीजें जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे कि, ठीक है, तो उन सबको एक्चुअली वहां बोला गया था कि उससे 1 किलोमीटर, ठीक है, उससे 1 किलोमीटर बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, 1 किलोमीटर बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी, मतलब कि वहां पर कुछ टाइप का बस वहां पर ग्रीनरीज होंगी। ठीक है, सिर्फ ग्रीनरीज होंगी। तो ये यहां पर केरला ने एक ऐसा पिटीशन फाइल किया था इसी के रिगार्डिंग, ये केस आया हुआ है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, ऑन July 7th केरला स्टेट असेंबली अनानिमसली पास्ड रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द स्टेट ह्यूमन हैबिटेशन फार्म्स लैंड एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द परफ्यूज। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है, जो आपने रेजोल्यूशन पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्होंने कहा है, एक रेजोल्यूशन पास करते हुए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि हमारे जो ह्यूमन हैबिटेशन है, स्टेट के ह्यूमन हैबिटेशन है, फार्म्स लैंड है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनको इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन से अलग कीजिए, उनको परव्यू कीजिए, अलग कीजिए, रिसेंटली नोटिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा, इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन किसके द्वारा नोटिफाइड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिफाइड किया गया था, और केरला के द्वारा रेजोल्यूशन करके ये बताया गया कि इसको एक्सक्लूड कीजिए। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कीजिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था। 3 जून को थ्री जज की एक बेंच बैठी थी जिसमें एल नागेश राव हो गए, एल नागेश्वरा राव हो गए, बी आर गावी हो गए, बी आर गवाई हो गए, ठीक है, और अनी रुधा बॉस हो गए। ठीक है, तो ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 3 जज के वो बेंच बैठी थी, और इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन है, मिनिमम 1 किलोमीटर तक उसमें कोई भी आपको वहाँ पर कुछ भी आपको वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करनी है, कोई भी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहाँ पर उसको आप में कोई भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये उन्होंने 3 जून को ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये केरला गवर्नमेंट ने अभी कंट्रोवर्सियल खड़ा किया है इसमें। ठीक है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है कि दैट ड्राफ्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ऑफ 20 of 23 प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिक्स में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और नियरली ये बताया गया है कि जो 30% है केरला का फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, नियरली 30% ऑफ केरला इज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, केरला का लगभग 30% क्या है, फॉरेस्टेड लैंड है, और वेस्टर्न घाट कितना है ऑक्यूपाई करता है, 48% ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 48% स्टेट का वेस्टर्न घाट है और 30% स्टेट का क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। ये भी आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि उन्होंने बोला है कि इसको स्टेट ह्यूमन हैबिटेशन है या फिर फार्म्स लैंड है या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको एग्जेम्प्ट करने के लिए बोला है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, ESG से इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए बात की गई है, सारी क्रिटिक्स यहाँ पर खड़ी है, इसलिए इसको ये मैं आपको बता दिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कुछ और है नहीं। इंडिया और चाइना ने होल्ड किया 16th राउंड ऑफ टॉक ऑन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में इन्होंने होल्ड किया, और दिस वॉज मेन एम टू रिवाइव द डी एस्केलेशन प्रोसेस। ठीक है, और दिस वॉज द 16th राउंड ऑफ टॉक। इससे पहले जो 15th राउंड ऑफ टॉक था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका 11 मार्च 2022 में, और ये हुआ था रिगार्डिंग वही आपको स्टैंड
ऑफ के रिगार्डिंग ये सारी चीजें वहां पर हुई थी। ठीक है, नाउ इसमें ये जो 16 राउंड ऑफ टॉक था कमांडर लेवल का, ये लगभग 12 घंटे का चला। 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 बजे से स्टार्ट हुआ और 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ और रात के 10 बज गए थे इसमें। ठीक है, हमारे इंडियन साइड से कौन लीड कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता जी लीड कर रहे थे, जो कि 14 कॉर्प कमांडर के हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, और बहुत सारी चीजों पर बात हुई और मैं आपको बताया था पहले भी चाइना ने रिफ्यूज कर दिया था टू डिस्कशन ऑन डेमचॉक एंड डेप्सांग रीजन पे, उन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया था। हैंस इंडिया ने इंसिस्ट किया, इंडिया ने बोला भी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, टू ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमें डिस एंगेजमेंट और डिसक्लेशन की प्रोसेस की ज़रूरत है, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपको होप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेवी डिकमिशंस सिंधुवराज। ठीक है, सिंधु धुवरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। नेवी ने रिसेंटली डिकमीशन किया है सिंधु ध्वज को। ठीक है, सिंधु ध्वज को अभी रिसेंटली डिकमीशन किया गया INS का। ये बहुत ही प्यारा ये सबमरीन था, किलो क्लास सबमरीन था, जिसको रशिया के द्वारा एक्वायर किया गया था, जिन्होंने अभी रिसेंटली 30 साल ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस जिन्होंने अभी रिसेंटली दिया है और अभी रिसेंटली नेवी के द्वारा इसको डिकमीशन किया गया। ठीक है, ये किसका था, ये हमने रशिया से एक्वायर किया था, हमने रशिया से 10 किलो क्लास सबमरीन हमने एक्वायर किए थे रशिया से, और इसका जो एक्सेलेंसी थी 35 साल की एक्सेलेंसी पे इन्होंने बहुत सारी अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, नाम याद रखिएगा INS सिंधु ध्वज। ठीक है, INS सिंधु ध्वज, जिसको रिसेंटली डिकमीशन किया गया। ठीक है, जिसको रिसेंटली डिकमीशन किया गया फ्रॉम द सर्विस। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कमीशन इनटू द नेवी इन जून 1987। ठीक है, सिंधु ध्वज को कमीशन किया गया था कब, 1987 में। ठीक है, 1987 में हमारी नेवी के द्वारा इसको कमीशन किया गया था और ये वन ऑफ द 10th किलो क्लास सबमरीन थी। ठीक है, 10th किलो क्लास सबमरीन इंडिया में लाया गया था, विच अक्वायर्ड फ्रॉम रशिया। ठीक है, बिटवीन 1986 to 2000। ठीक है, और ये बताया गया था कि ऑफ दी जो सिंधु रक्षक था वो एक एक्सीडेंट में, मुंबई हार्बर का एक्सीडेंट हुआ था अगस्त 2013 में, तो उस समय सिंधु रक्षक वॉज लॉस्ट। ठीक है, वो लॉस्ट हो चुका था। ओके, एंड सिंधु वीर जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया टू म्यांमार इन 2020। ठीक है, 2020 में म्यांमार को हमने सिंधु वीर हमने ट्रांसफर किया था और मेकिंग द साउथ ईस्ट एशियन फर्स्ट अंडर वाटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ अभी इंडियन नेवी की अगर बात करूँ तो इंडियन नेवी के पास कितने, 7 रशियन किलो सबमरीन से, 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन से, 4 जर्मन HDW सबमरीन से और 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन से, द इंडिजीनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिहंत। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडियन नेवी के पास अभी हैं। ठीक है, 7 किलो क्लास सबमरीन, 4 जर्मन HDW सबमरीन, 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और एक इंडिजीनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसका नाम है अरिहंत। ये सारी चीजें अभी भी हमारे पास है। ओके, इसके बारे में ये सारे फैक्ट आप लिख लीजिए। इसको कमीशन किया गया था 1987 में और इसको एक्चुअली ये रशिया से एक्वायर किया गया था बिटवीन 1986 to 2000। ठीक है, सिंधु, इसमें से सिंधु जो रक्षक था उसको वो लॉस्ट हो गया था इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, 2013 में अगस्त में एक एक्सीडेंट हुआ था मुंबई हार्बर में, तो उसकी वजह से हमने इसको लॉस्ट खो दिया। ठीक है, और उसके बाद जो सिंधु वीर था उसको 2020 में म्यांमार को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि हाँ, ये सिंधु रक्षक के साथ क्या हुआ, सिंधु वीर कहाँ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। हमारे पास 7 ही है तो बाकी ये 3 कहाँ गए। ठीक है, तो एक तो अभी सिंधु ध्वज जो हो गया अभी डिकमीशन हो गया, एक जो हो गया हमने खो दिया सिंधु रक्षक, और एक तो सिंधु वीर था हमने उसको ट्रांसफर म्यांमार को ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी हमारे पास कितनी है, 7 है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओनली 50% ऑफ फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम लोन वेवर से स्टडी। ठीक है, एक स्टडी की गई बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स के द्वारा, एक स्टडी किया गया और उसमें पता लगाया गया कि मात्र 50% जो फार्मर हैं वो ही बेनिफिटेड है फ्रॉम लोन वेवर। ठीक है, लोन वेवर से वही सिर्फ बेनिफिटेड है और पुअर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिला है। स्कीम का एक पुअर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिला है इन द स्टेट तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका, जहां पर परफॉर्मेंस 5, 12, 13, 24 और 38 मात्र ही रह गई। ठीक है, और ये उतने वो परसेंटेज ऑफ एलिजिबल फार्मर्स हैं वो रिसीव लोन वेवर्स। ठीक है, तो जिन्होंने लोन वेवर रिसीव किया है, हालांकि अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन था, आप यहाँ
पर देख सकते हैं, एज ऑफ मार्च 2022 द पुअरेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फार्मर लोन वेवर स्कीम इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एलिजिबल फार्मर हु हैड रिसीव द अनाउंस बेनिफिट वॉज तेलंगाना 5%, मध्य प्रदेश 12%, झारखंड 13%, पंजाब 24%, कर्नाटका 38% एंड यूपी 52%। ठीक है, जबकि मैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करूँ तो इसमें कितने कब इंप्लीमेंट हुआ था 2018 में, और महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो कब इंप्लीमेंट हुआ था 2020 में। ठीक है, वो रिसिप्ट 100% और 91% एलिजिबल फार्मर। ठीक है, तो ये यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको देख सकते हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की और आंध्र प्रदेश की अगर बात करूँ तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोन वेवर्स के ये जो स्कीम्स थी इसमें हमें प्योर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिली। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिगो का जो प्लेन है उसको हमें डाइवर्ट करना पड़ा टू कराची। ठीक है, कराची में हमें डाइवर्ट करना पड़ा, और ये इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि जो इंडिगो का जो पायलट था उसको लग रहा था कि जो इंजन है, वन ऑफ द इंजन उसमें प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से इसको डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं अगर 14 जुलाई की एक और एक्सीडेंट हुई है। ठीक है, इसमें बताएगा कि जो इंडिगो और दिल्ली वडोदरा फ्लाइट थी इसको डाइवर्ट करना पड़ा जयपुर में। ठीक है, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ प्रिकॉशन। ठीक है, ये प्रिकॉशन इसमें नहीं थे, इसको कहाँ डाइवर्ट करना पड़ा, इसको जयपुर में डाइवर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो 14 जुलाई की एक्सीडेंट थी, एक इंडिगो की अभी तक दो एक्सीडेंट हो चुके हैं, और डीजीसीए ने अभी इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रिगार्डिंग द बोथ ऑफ द एक्सीडेंट्स। ठीक है, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इन्होंने कहा है कि इनके जो इंजीनियरिंग क्रूज हैं इन्होंने फाउंड किया है कि जो दूसरा नंबर का जो इंजन है प्लेन में, दूसरा नंबर का जो इंजन उसमें फॉल्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी बताया गया है। ठीक है, इंडिगो के जो प्लेन है उसको कराची लैंड किया गया, और एक और जो प्लेन था 14 जुलाई जो कि दिल्ली वडोदरा के लिए टेक ऑफ की थी उसको जयपुर में उतारा गया, इट वॉज आउट ऑफ प्रिकॉशन, इसकी वजह से उतारा गया। लेट्स सी क्या डिसीजन आते हैं इसके ऊपर, देखते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, हाँ यहाँ पर भी और कुछ नहीं है। सो दैट सेट, वीडियो में आज बस के लिए इतना ही। ओके, वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको अगर समझ में आया वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।